पहले प्रॉपर्टी जो प्रोटीन देखें तो प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक होता है। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है, अमीनो अम्लों का। ये अमीनो अम्लों का बहुलक कौन सा भोजन का अवयव होता है, तो प्रोटीन। प्रोटीन यानी अमीनो अम्ल कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटीन का विशिष्ट तत्व तो कभी पूछे तो नाइट्रोजन होगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो कार्बोहाइड्रेट में भी होता है, फैट में भी होता है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन क्या हुआ बोलो, प्रोटीन का स्पेसिफिक एलिमेंट हुआ। प्रोटीन का विशिष्ट बंध क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ओके प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, आई होप ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। उसके बाद प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है, यानी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, कोशिका का इंजन भी कहते हैं। प्रोटीन के निर्माण के लिए कुल 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ग्लाइसिन जो होता है, ग्लाइसिन ये सबसे सरलतम सिंपलेस्ट, और ट्रिप्टोफान सबसे जटिलतम अमीनो अम्ल होता है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन सा अमीनो अम्ल सबसे सरलतम है, कौन सा सबसे जटिलतम है। उसके बाद 20 अमीनो एसिड में से एक ग्लाइसिन अमीनो अम्ल ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रकाशीय निष्क्रिय होता है, बाकी सभी प्रकाश से सक्रिय होते हैं। इसके प्रकाश से निष्क्रिय होने का कारण है क्रियल कार्बन की एब्सेंस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, हर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अक्सर पूछ लेते हैं कौन सा अमीनो अम्ल प्रकाश से निष्क्रिय होता है, तो ग्लाइसिन। ये आपके सामने ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर है, इसमें ये दो ग्रुप अलग है लेकिन ये सेम है, इसलिए क्रियल कार्बन नहीं है तो प्रकाश से निष्क्रिय होगा। ओके और बाकी में क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से चारों अलग समूह होते हैं, इसलिए ये क्रियल कार्बन होता है, इसलिए वो प्रकाशीय सक्रिय होते हैं। ओके लेकिन ग्लाइसिन में ऐसा नहीं है, तो ग्लाइसिन एकमात्र ऐसा अमीनो अम्ल है जो प्रकाशीय निष्क्रिय होता है। उसके बाद प्रोटीन की विशिष्ट परीक्षण बायूरेट परीक्षण होता है, क्योंकि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड को देखा जाता है। और आपको पता होना चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड में एमाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप उपस्थित। कौन सा ग्रुप होता है बोलो, फंक्शनल ग्रुप एमाइड। आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु या पीएच पर सभी अमीनो अम्ल ज्वेटर आयन के रूप में रहते हैं। ज्वेटर आयन का मतलब क्या, जिस पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज हो उसे ज्वेटर आयन कहते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे ये ऐसे रहते हैं, हर अमीनो अम्ल की आइसोइलेक्ट्रिक पीएच अलग होती है। अब यहाँ पर कॉम्पिटिटिव अप्रोच देखें, कभी भी पूछा जाए ज्वेटर आयन को अम्लीय माध्यम में डालेंगे तो क्या होगा, अम्लीय माध्यम में एच प्लस की अधिकता होती है, इसलिए एच प्लस यहाँ जुड़ जाएगा तो ये रह जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे, केटाइन, जो कैथोड की तरफ दौड़ के जाता है उसे केटाइन कहते हैं। और सारे माध्यम में डालेंगे तो ओ एच माइनस की अधिकता होगी, यहाँ से एच प्लस को ले लेगा तो ये रह जाएगा, इसको एनाइन कहते हैं। यानी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में ज्यूटराइन के रूप में, अधिक अम्लीयता वाले विलयन में केटाइन और अधिक क्षारीयता वाले विलयन में एनाइन के रूप में। अधिकांश प्रोटीन और एंजाइम की संरचना कैसी होती है, टर्सरी होती है, क्लियर। वैसे प्रोटीन कुछ प्राइमरी कुछ सेकेंडरी कुछ टर्सरी कुछ क्वार्टनरी स्ट्रक्चर वाले होते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रोटीन और एंजाइम मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर इज टर्सरी स्ट्रक्चर। ओके बात समझ में आए बोलो। इसी तरह से एक बात और पता होना चाहिए, प्रोटीन को जब गर्म किया जाता है तो उसका विकृतीकरण हो जाता है। प्रोटीन, ठीक है, को हीट करने पर उसका विकृतिकरण डीनेचुरेशन हो जाता है। एक्चुअली जब हम प्रोटीन को हीट करेंगे तो उसकी टर्शरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर नष्ट हो जाती है, केवल प्राइमरी रह जाती है, इसको प्रोटीन का विकृतिकरण कहते हैं। उसके बाद अगर हमने प्रॉपर्टीज के बारे में जान लिया है तो दूसरे सेक्शन में आ जाते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अमीनो अम्लों का वर्गीकरण। आपने बचपन से पढ़ा है एक कैटेगरी होती है आवश्यक अमीनो अम्ल की,
एक होती है अनावश्यक अमीनो अम्ल की, और अक्सर यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहले मीनिंग जान लेते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड, तो वे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण बॉडी में नहीं होता है, अर्थात जिन्हें भोजन के द्वारा लेना आवश्यक होता है, उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। नॉन इसेंशियल अनावश्यक वे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण बॉडी में होता है, अर्थात जिन्हें भोजन के द्वारा लेना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, उन्हें हम अनावश्यक कहते हैं। जैसा नाम वैसी डेफिनेशन। अब मेन प्रॉब्लम आती है एग्जाम्पल की, क्लियर। ये भी टोटल 10 होते हैं, ठीक है, टोटल 10 संख्या इनकी, इनकी भी टोटल 10 और कुल 20 हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें याद होना चाहिए आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से होते हैं, अनावश्यक, क्योंकि वह एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, या निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है, तो उस केस में क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों हमेशा हमेशा याद रहे, उसके लिए मेरा लॉजिक सुनना, पहले आवश्यक के लिए। आपको अगर 10 अमीनो अम्ल याद रखने हैं तो कोई ट्रिक, कोई लॉजिक आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को बताने के लिए पहले एक कहानी के, दो दोस्त होते हैं, एक राम और एक श्याम, दोनों की हॉबी सेम होती है। आपको पता है इस दुनिया में दोस्त वही बनते हैं जिनकी हॉबी सेम होती है। तो राम और श्याम की हॉबी सेम थी, उन्हें टीवी देखना बहुत पसंद था। होते इस दुनिया में कुछ लोग जिनको टीवी के सामने बिठा दें तो वो खाना पीना ही भूल जाते हैं, ऐसे ही राम और श्याम थे। लेकिन बड़े हुए उन्होंने डिसाइड किया कि यार अब तो लाइफ में कुछ बनना पड़ेगा वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो डिसाइड करते हैं कि अब तो गवर्नमेंट जॉब लेनी है, डॉक्टर मेहता क्लासेज आ जाते हैं पढ़ने के लिए, और वो प्रण लेते हैं कि जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक हम टीवी नहीं देखेंगे। ओके, तो वो बहुत मेहनत करते हैं और लकीली दोनों का सिलेक्शन हो जाता है। दोनों अपनी पोस्टिंग बोलो पास पास लेते हैं, और तब तक उनकी शादी नहीं हो रही होती है, तो सोचता अपन पार्टनर बन जाते हैं, एक साथ ही एक दो रूम का बोलो एक फ्लैट ले लेते हैं और उसमें रहते हैं। पहली पहली सैलरी आती है, उनके मन में रहता है कि अब तो हमने गवर्नमेंट जॉब ले ली है, अब हमें हमारी वापस हॉबी को जीना चाहिए, एक काम करते हैं पैसे इकट्ठे करके टीवी लेके आते हैं, क्लियर। तो राम जाता है टीवी लेने के लिए और श्याम कहता है कि आज टीवी देखेंगे बहुत दिनों बाद, तो पार्टी करेंगे, कुछ खाने पीने की चीज़ें ले आता हूँ। ओके, तो राम जाता है फटाफट, श्याम जाता है पार्टी का सामान लेने, राम जाता है टीवी लेने। राम फटाफट टीवी लेके आ जाता है और श्याम का इंतज़ार करता है, लेकिन उसे रहा नहीं जाता है और वो कहता है कि एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा टीवी को चालू करके देखता हूँ क्या आ रहा है। जैसे ही वो टीवी को स्टार्ट करता है वो शौक में आ जाता है, ओके, और चुपचाप एक तरफ बैठ जाता है। श्याम आता है और उसको कहता है कि आज तो खुशी का दिन है, तुम इतने उदास क्यों हो। तो राम उस श्याम को कहता है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्लियर, क्या कहता है, टीवी ली लेकिन MTP आता है। मतलब राम कहता है श्याम को कि मैंने टीवी को चला के देखा तो उसमें तो एक ही चैनल आ रहा है जिसका नाम है MTP, बाकी कुछ नहीं आ रहा है। तो दोनों उदास हो जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ टीवी ली लेकिन MTP आता है। ये ट्रिक आपके आवश्यक की है, आज के टाइम में टीवी क्या बन चुकी है, आवश्यक। ओके, अब टीवी ली लेकिन MTP आता है, इसके अंदर 10 एमिनो एसिड कैसे निकल के आएंगे। टी यानी थ्रियोनिन, वी यानी वैलिन, एल यानी ल्यूसिन, आई यानी आइसोल्यूसिन, एल यानी लाइसिन, एम यानी मिथियोनिन, टी यानी ट्रिप्टोफान, ओके, पी यानी फेनिलएलनिन, ए यानी आर्जिनिन और एच यानी हिस्टिडीन। इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल की बात करें तो यहाँ पर फिर एक ट्रिक लिख रहा हूँ, AAAGGCPST। AAAGG मैंने एग्ज़ाम का नाम लिखा है और कॉमन प्री साइंस टेस्ट। ओके, ये AAAGG कैसे लिखा, आपको पता है जब भी कोई वर्ड वाले नाम बोलो दो या दो से ज़्यादा बार आ जाता था हम उसको शॉर्ट कर देते हैं। जैसे आपने कभी मूवी के नाम बड़े होते हैं, कभी खुशी कभी गम, तो हम उसको K3G ऐसा शॉर्ट में कर देते हैं। जब वहाँ कर सकते हैं तो स्टडी में क्यों नहीं कर सकते हैं, तो हमने यही किया है। ए पर 3 नाम आते हैं इसलिए AAA कर दिया, जी पे 3 नाम आते हैं इसलिए GGG कर दिया। ए पर 3 नाम कौन कौन से हैं, पहला है एलेनिन, दूसरा एस्पार्टिक एसिड, तीसरा एस्पार्जिन, ठीक है। जी पर एक है ग्लाइसिन,
एक है ग्लूटामिक एसिड, एक है ग्लूटामिन, CPST कॉमन प्री साइनेस्टेस, सिस्टीन, ओके, प्रोलीन, सेरीन और टायरोसिन। यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, टी यानी ट्रिप्टोफान इधर भी आता है, टायरोसिन इधर आता है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर इन दोनों अमीनो अम्लों में अंडरस्टैंडिंग हुई कि सबसे सरल वाला एक तरफ चला जाता है, सबसे जटिल वाला एक तरफ, तो ग्लाइसिन इधर आता है इसलिए ट्रिप्टोफान इधर आएगा। जब ट्रिप्टोफान इधर आएगा तो ये टायरोसिन होगा, ट्रिप्टोफान तो हो ही नहीं सकता। इस तरह से थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई, बोलो आवश्यक की, ट्रिपल बोलो, आपको मैंने आवश्यक की बताई है, टी वी ली, लेकिन MTP आता है। मैं MTP चैनल इसलिए बनाया बिकॉज इसकी फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, मेडिकल मेडिकल, ठीक है, टर्मिनेशन टर्मिनेशन, ठीक है, प्रेगनेंसी एक्ट। अब तो ये बंद हो गया है, पहले ये चलता था MTP मेडिकल बोलो प्रेगनेंसी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट। तो बस ये सूचना आ रही थी इसलिए राम शोक में आ गया था। तो टी यानी थ्रियोनिन, वी यानी वेलिन, एल यानी ल्यूसिन, आई यानी आइसोलाइसिन, एल यानी लाइसिन, एम यानी मिथियोनिन, टी यानी ट्रिप्टोफान, पी यानी फेनिलएलनिन, ए यानी आर्जिनिन, एच यानी हिस्टिडीन। इधर ट्रिपल ए ट्रिपल जी, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन। यहाँ ध्यान रखना या फेनिलएलनिन है या खाली एलेनिन है। ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, सिस्टीन, प्रोलीन, सेरीन, टायरोसिन। ओके, मैं यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है, अक्सर आ जाता है एग्जाम में, कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, तो चार नाम दे रखे होते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ भी ट्रिक या लॉजिक है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा सेशन भी तैयार हो गया होगा। ओके, नाउ तीसरा सेशन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन तीन टाइप के होते हैं, एक सिंपल प्रोटीन, सरल प्रोटीन, एक कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड, संयुक्त या संयुग्मी प्रोटीन, और एक व्युत्पन्न डेराइव्ड प्रोटीन। ओके, सबसे पहले सरल प्रोटीन की बात करें, सिंपल प्रोटीन, तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि वह प्रोटीन जिनमें केवल प्रोटीन पार्ट ही होता है उसे सिंपल प्रोटीन कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक फाइब्रुलर और एक ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, एक तो तंतु में और एक कणिका में। अक्सर एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, तो फाइब्रुलर के मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल कोलाजन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन, क्रिएटिन। कोलाजन हमारी बॉडी में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है और क्रिएटिन बाल और नाखून में पाया जाता है। ग्लोबुलर की बात करें, ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में आजकल ग्लोबुलर हिंदी में भी ऐसा लिख दिया जाता है। ओके, एग्जाम्पल में इंसुलिन, इसी तरह से एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन ब्लड में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो आपको सिंपल प्रोटीन के टाइप और एग्जाम्पल पता चले होंगे। उसके बाद बात करते हैं कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, वे जिनमें प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ओके, नॉन प्रोटीन पार्ट के आधार पर ये प्रकार बता रहा हूँ। एक लिखा मैंने न्यूक्लियो प्रोटीन, एक लिपो प्रोटीन, एक क्रोमो प्रोटीन, एक मेटेलो प्रोटीन, क्लियर। तो अगर इनमें दो चीज़ें देखनी है, नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा होता है और एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो नॉन प्रोटीन पार्ट की बात करें तो नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड होगा, DNA या RNA, और एग्जाम्पल क्या होगा, राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम RNA प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एक एग्जाम्पल होता है क्रोमेटीन, और क्रोमेटीन भी आपको पता है DNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसका मतलब हुआ राइबोसोम और क्रोमेटीन बोलो केमिकली न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। उसके बाद लिपो प्रोटीन, नॉन प्रोटीन पर लिपिड, एग्जाम्पल है इसका सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोशिका झिल्ली का संगठन फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन होता है। तो इसका मतलब हुआ बोलो सेल मेम्ब्रेन केमिकली लिपो प्रोटीन होता है। उसके बाद क्रोमो प्रोटीन, पोरफायरिन, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार पोरफायरिन। ओके, और इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, ठीक है, और हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन। ओके, तो ये दोनों क्रोमो प्रोटीन के एग्जाम्पल है। मेटलो प्रोटीन, नॉन प्रोटीन पार धातु होता है,
जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एंजाइम लिखे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जिसके साथ जिंक धातु पर संबंधित होती है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। काइनेज के साथ मैग्नीशियम, आर्जिनेज के साथ मैंगनीज, टायरोसिनेज के साथ कॉपर। तो दोस्तों ये मैंने आपको कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बताया, आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद बात करें डेराइव्ड प्रोटीन की, तो प्रोटीन के पाचन के वे जो इंटरमीडिएट मध्यवर्ती बनते हैं उन्हें डेराइव्ड प्रोटीन कहते हैं, जैसे पेप्टोन से प्रोटियोजेज है। क्लियर? तो दोस्तों इस तरह से प्रोटीन भोजन के अवयव में प्रोटीन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन तीन सेक्शन में से किसी भी एक सेक्शन से आते हैं, या तो प्रॉपर्टीज में से, या अमीनो अम्लों के बहुलक में से, या प्रोटीन के प्रकार में से। मैंने आपको तीनों सेक्शन बहुत अच्छे से कंप्रेस फॉर्म में, शॉर्ट वे में समझा दिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा लेक्चर, और इसी तरह से पढ़ते रहें, मस्त रहें, बेस्ट ऑफ लक।